तो जी हाँ दोस्तों, टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। तो ईए स्पोर्ट्स बहुत ही जल्दी अपना क्रिकेट 23 गेम निकाल सकता है। पर यार ये क्या सही न्यूज है या फिर इसमें कोई फेक मिलावटी बातें छुपा हुआ है? तो वो तो यार आपको आगे ही पता चलेगा वीडियो के खत्म होने तक। लेकिन यार हमेशा की तरह कुछ बढ़िया बातें ही बताऊंगा आपको, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और भाई बोल के थक गया हूं यार, धाटी के होने ही वाले हैं, तो जरूर यार सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक नहीं करोगे, तो लाइक भी करना जरूरी होता है, तो भाई लाइक कर देना। टाइम नहीं लगता यार, बस एक सेकंड ही तो लगता है। अब ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, तो फिर बिना किसी बकवाए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझने के लिए हमें चलना होगा 20 साल पीछे। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। तो सुनो, 2003 में ईए पहली बार अपना सीरीज ईए एमवीपी बेसबॉल गेम को लॉन्च करता है। अब ये जो गेम है वो बहुत ही जल्दी एक सुपर हिट गेम बन जाता है। अब उसके बाद 2005 में इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाता है। अब ये भी बहुत ही ज्यादा सही से चलता है। अब सभी चीज तो ठीक ठाक चल ही रहा होता है, वही उधर ईए फुटबॉल में भी एंट्री ले चुका था। तो उसको स्टेबल बनाए रखने के लिए ईए नेशनल फुटबॉल लीग यानी कि एनएफएल और ESPN के साथ एक एक्सक्लूसिव डील को साइन कर देता है, ताकि अब बाकी दूसरे जो गेम कंपनीज है वो लाइसेंस्ड फुटबॉल गेम ना बना पाए। अब इस चीज से बाकी जो जितने सारे कंपटीटर्स कंपनीज होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं, वो लोग फुटबॉल गेम्स नहीं बना पाते हैं। तो सुनो, वहां पर होता यह है कि टेक टू इंटरक्टिव करके एक कंपनी होता है जो ईए से बदला लेने को ठान लेता है। अब देखो यार वो बदला लेते कैसे हैं, तो बदला लेने के लिए वो लोग एक काम करते हैं। तो बदला लेने के लिए उन्होंने भी MLB दैट इज मेजर लीग बेसबॉल, MLBPA और MLBAM के साथ एक एक्सक्लूसिव डील को साइन कर देते हैं, जिसके चलते अब होता यह है कि अब से लाइसेंस्ड बेसबॉल गेम्स जो है वो सिर्फ के सिर्फ टेक टू इंटरक्टिव वाले ही बना पाते हैं, यानी कि अपने 2K स्पोर्ट्स सीरीज के अंदर। हालांकि अभी उनका भी सीरीज बंद हो चुका है, वो अलग बात है, तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन इस डील के खत्म होने के बाद बाकी सारे जो कंपनीज है इंक्लूडिंग EA, तो उसको भी अपना बेसबॉल गेम सीरीज को मजबूरन बंद करना पड़ता है। अब वेल ये तो रहे पुरानी बातें, मूविंग टू 2023, हाल ही में 2 हफ्ते पहले ही फाइनली ये क्या है कि ब्रांड न्यू बेसबॉल गेम रिलीज हो गया है ईए स्पोर्ट्स MLB टैप बेसबॉल 23 के नाम से। लेकिन दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट टाइटल में लगा के मैं आपको ये सारे हिस्ट्री के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो वेल देखो, तो अगर इस पूरी कहानी को समराइज करके देखा जाए तो बेसबॉल गेम बंद करने का जो रीजन था तो वो था लाइसेंसिंग इशू। और हाँ सिर्फ यही नहीं, उस टाइम ये के जो बेसबॉल गेम्स है वो बिकने भी थोड़े बहुत यहाँ पर कम हो गए थे धीरे धीरे। तो दो रीजन हम कहेंगे, एक है लाइसेंस का इशू, दूसरा है सेल्स का इशू। अब अगर देखा जाए तो ये जो कहानी है वो ईए के लिए पूरा पहला वाला कहानी ऐसा नहीं है, सेम इसी टाइप के रीजन के लिए ये क्रिकेट जो सीरीज है वो भी यहाँ पर बंद हुआ था। तो उसके पीछे भी कई सारे रीजन थे, और मतलब ये सिमिलर रीजन है देखा जाए तो बैड सेल्स एक रीजन था, और यही रीजन कनेक्टेड होता है पायरेसी के साथ, मतलब कि पायरेसी की वजह से ही इनके जो सेल्स है वो अफेक्ट हो चुके थे, और कुछ लीगल लाइसेंस का भी इश्यूज चल रहा था उनके। तो अगर डिटेल में अगर जानना चाहते हो ये सारा चीज तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, तो मैंने काफी डिटेल में सब कुछ बताया था। अब देखो अगर देखा जाए तो बेसबॉल का जो सीरीज बंद हुआ था और ईए क्रिकेट का जो सीरीज बंद हुआ था तो दोनों लगभग सेम कारण के चलते ही बंद हुए थे। और सिमिलर रीजन होने के बाद भी अगर 16 साल बाद ईए फिर से बेसबॉल गेम पे वापसी कर सकता है तो क्या ईए क्रिकेट पे वापस नहीं कर सकता है? तो वेल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि शायद कुछ साल के अंदर हमें ईए की तरफ से भी क्रिकेट गेम देखने को मिल जाए। और यार वैसे भी तो बेसबॉल और क्रिकेट थोड़ा बहुत सिमिलर तो होता ही है। और हाँ एक नेगेटिव चीज भी है इसके अंदर, अब बेसबॉल का जो ऑडियंस है ना वो इंडियन ऑडियंस नहीं है, ना ही कोई साउथ एशिया वाले ऑडियंस है, तो उनका जो ऑडियंस है वो बाहर वाले ही है स्टिल। तो अब जो रीजन था ईए क्रिकेट को बंद करने का वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर रीजन के लिए बंद हुआ था, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट बातें हो जाता है। पर फिर भी अगर 16 साल बाद एक सीरीज वापस आ सकता है तो 15 साल बाद ये क्रिकेट सीरीज भी वापस आ सकता है, तो थोड़ा बहुत कुछ कनेक्शन तो यहाँ पर होता ही है। और वैसे कुछ सोर्सेस से ये भी निकल के आ रहा था कि ये जो है वो अपना क्रिकेट सीरीज PC पर तो नहीं पर हाँ एंड्रॉइड के लिए लॉन्च कर सकता है, एंड्रॉइड और iOS के लिए। तो क्या ऐसा होगा, आपका क्या लगता है आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये वापस कर भी लेता है क्रिकेट में तो क्या वो रियल क्रिकेट और WCC सीरीज जो अभी के लिए यहाँ पर राजा बन के बैठे हुए हैं तो क्या उनको भी वो हरा देगा, क्योंकि वो तो काफी पुराना प्लेयर है? तो बताओ नीचे कमेंट करके। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि यार हरा पाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस बन चुके हैं, मतलब कि रियल क्रिकेट और WCC वालों के पास। पर आपको क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों मिलते हैं अगले वाले कमाल के वीडियो पर, आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।